हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम विकास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हो या अपनी वेबसाइट बना रहे हो। देखिए, होता क्या है ना, वेबसाइट बनवाने का कोर पर्पस क्या होता है, आप क्यों एक वेबसाइट बनवाते हो। बेसिकली वेबसाइट बनवाने का कोर पर्पस ये होता है कि आपको वेबसाइट से बिजनेस मिले, कस्टमर आपके पास वेबसाइट से आए। लेकिन एग्जैक्ट में होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है, इनस्टेड की वेबसाइट से आपको कस्टमर आए, आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उनको बताने लगते हो कि भैया मेरे पास वेबसाइट भी है। देखिए ना, विजिटिंग कार्ड में नीचे मेरा वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो मेनली जो वेबसाइट बनवाने का पर्पस था कि कस्टमर आप तक आए, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू। लेकिन होता क्या है में कि आप अपने कस्टमर को वेबसाइट पे भेजते हो, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो चीजें आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो अपनी वेबसाइट बनवाते समय। वेबसाइट बनवाते समय ये सारी चीजें आपको मोस्ट करनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो जिससे कि आपको कस्टमर मिले। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाने की सोच रहे हैं या फिर आप एक वेब डेवलपर हैं, आप अपने अपने कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। बेसिकली इंटरनेट पे आपके पास मात्र 3 सेकेंड होता है अपने यूजर को इम्प्रेस करने के लिए। अगर विद इन 3 सेकेंड यूजर को जो चाहिए वो अगर आपकी वेबसाइट पे या आपके कंटेंट के थ्रू उसे दिखता है, तो वो पूरा आपका जो है कि वेबसाइट विजिट करेगा, ऊपर से नीचे तक आपकी वेबसाइट देखेगा। अगर विद इन 3 सेकेंड ऑन एन एवरेज अगर आपकी वेबसाइट पे उसे जो वो खोज रहा है अगर वो नहीं मिलता है, तो वो आपकी वेबसाइट से चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है, लाइक अगर कोई लेट से डेंटिस्ट सर्च कर रहा है, ठीक है, और डेंटिस्ट सर्च करके वो गूगल पे उसने डेंटिस्ट सर्च किया और किसी वेबसाइट पे हो गया, ठीक है, एंड अगर उस वेबसाइट पे जाने के बाद वो उसे एप्रोप्रिएट लगता है विद इन 3 सेकेंड, तो वो पूरा वेबसाइट कंज्यूम करेगा। हो सकता है कि उस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करे। अगर विद इन 3 सेकेंड वो वेबसाइट अपीलिंग नहीं लगती है उसे, या वो वेबसाइट का कंटेंट कुछ इस तरीके का नहीं होता है कि वो यूजर को इम्प्रेस कर पाए, तो यूजर उनकी वेबसाइट से चला जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये वेबसाइट देखिए आप, तो ये वेबसाइट आपको शुरू से अंत तक कहीं से भी नहीं लगा होगा कि ये किसी एक डेंटिस्ट की वेबसाइट है। मैंने वेबसाइट ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर दिया, लेकिन ना ही वेबसाइट का कोई इमेज, ना ही वेबसाइट का कॉन्टेंट फर्स्ट लुक में इतना अपीलिंग लग रहा है कि आप इसे रिलेट कर पाओ कि ये किसी एक डेंटिस्ट की वेबसाइट हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और जो लोग मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, जब भी आप वेबसाइट बनवाते हो तो आप सोचने लगते हो अपने आप को एज ए बिजनेस ऑनर, आप यूजर के प्रस्पेक्टिव से नहीं सोचते हो अपनी वेबसाइट बनवाते समय। तो जब यूजर के प्रस्पेक्टिव से आप नहीं सोचते हो वेबसाइट बनवाते समय, तो आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बड़ाई करने लगते हो। इंस्टेड आप ये नहीं सोच पाते हो कि आपका यूजर जो आपके वेबसाइट पे आया है वो क्या सर्च करके आया है, उसे क्या चाहिए, आप उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने वेबसाइट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं डेंटिस्ट वाला एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ। तो अगर मैं डेंटिस्ट सर्च करके जा रहा हूँ, तो अगर जो मैंने अभी वेबसाइट आपको जस्ट दिखाई उस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा कि ये किसी एक डेंटिस्ट की वेबसाइट है। और जब मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, मैं उस वेबसाइट से किसी तरीके का अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना चाहता, किसी तरीके का मैं बिजनेस नहीं करूंगा ऐसे आदमी के साथ जिसकी वेबसाइट मुझे देखने के बाद अपीलिंग नहीं लगती है, अगर मैं ऑनलाइन सर्च करके कुछ कर रहा हूं। इसके अलावा एक और मिसिंग चीज क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं करते हैं। एक कॉन्टैक्ट एस का पेज बना देंगे कि अगर मुझे आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो मैं कॉन्टैक्ट एस के पेज में जाऊं, मैं उस पेज में जाके रिक्वेस्ट प्लेस करूं, तब जाके मुझे कोई नंबर मिलेगा, या हो सकता है कि जो है कि वेबसाइट ऑनर के एंड से कोई कॉल वगैरह आ जाए। आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट कोई आप कॉन्टेक्ट फॉर्म या कोई फोन नंबर या कोई कॉन्टेक्ट का मीडियम आप वहां पे तुरंत डिस्प्ले करा दे, ताकि अगर यूजर चाहे,
यूजर आपके सर्विस से इंप्रेस है तो तुरंत जो है कि आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। अपनी वेबसाइट का कॉन्टेंट टू द पॉइंट रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेंटिस्ट सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आया है तो आप लिखिए ना कि हाँ वी आर बेस्ट डेंटल सर्विस प्रोवाइडर, वी आर बेस्ट डेंटल सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टेड की डॉक्टर अजय कुमार या डॉक्टर प्रताप गर्ग आप लिख रहे हो। आपका नाम जानने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है अगर मैं डेंटिस्ट सर्विस सर्च करके आया हूँ तो क्या मुझे इस वेबसाइट पे डेंटल सर्विस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की वो ये है कि आपके पास 3 सेकेंड होता है यूजर को इम्प्रेस करने के लिए ऑनलाइन। इसके अलावा आपका वेबसाइट का कंटेंट, आपका जो भी वेबसाइट है उसके अराउंड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए आपकी सारी चीजें, एंड कॉन्टेक्ट करने का ऑप्शन विजिबल होना चाहिए, बहुत आसानी से यूजर को देखना चाहिए। अगर इन सारी चीजों का आप ख्याल रखते हो अपनी वेबसाइट में तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अपने वेबसाइट से बहुत ज्यादा बिजनेस मिलेगा, वेबसाइट से आपको बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनवाने की सोच रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे एजेंसी से, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल का आइकन है वो दबा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपको लगता है ऐसा है जिसको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो ये वीडियो उन तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और कोरोना से बच के रहिए।